प्लस माइनस कर लेते हैं, दूं एक, हाँ सही में दिखाता हूं कहां पे चेंजेज हो सकता है प्लस माइनस। देखो तो एक बार, एक प्लस माइनस करो तो मैं देखता हूं कैसे करता हूं। ठीक है बाबू, कर लिया नोट? कोई स्टार्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन, बस क्वेश्चन नोट करेगा, सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए। नोट कर लिया? चलिए शुरू हो जाइए। नहीं हुआ अभी तक, 40 सेकंड से ऊपर हो चुके, हाँ चलिए 40 सेकंड से ऊपर हो चुका है, मैंने स्टॉप कर दिया इसे। क्या कर रहे थे, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ? मैं कुछ कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे देखो तो। अब ये बताओ प्लस माइनस राइट हैंड से करते हैं या लेफ्ट हैंड से? कैलकुलेशन राइट हैंड से करते हैं लेफ्ट हैंड से? लेफ्ट से करते हैं, राइट से करते हैं। कहाँ से करते हैं? अच्छा पहले तो पहला ही प्लेस कैलकुलेट होगा ना, मैं करता हूँ देखिएगा ध्यान से। प्लस सात आइए, सात सात चौदह में से आठ गया तो कितना हुआ? पहला प्लेस कैलकुलेट हो गया, कॉपी नहीं करनी है। नहीं हुआ, फिर से देखिए। प्लस सात, प्लस सात कितना हुआ? चौदह में से आठ गया, हो गया ये सात, और ये भी प्लस का था, ये भी, इसका भी लास्ट प्लेस सात था ना। चौदह में से आठ गया तो कितना हुआ? सही है गलत है? पहला प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस पाओ। तीन और चार, सात में से आठ गया, सात में से आठ गया, माइनस वन कितना हुआ? कभी भी निगेटिव नहीं लिखनी है, निगेटिव जैसे ही आए तो दस में से लिख लो, और दस लेने का मतलब आगे पॉजिटिव वाले में से एक कैरी ले चुके हैं आप। दस में से एक गया, आगे जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना उसको एक कम करके बोलना है, क्योंकि एक कैरी ले चुके हैं आप, निगेटिव नहीं लिखनी है। डन, सेकेंड प्लेस हो गया। थर्ड बोर्ड पर देखिएगा, नौ और एक, दस नहीं पढ़ना है, नौ पढ़नी है, नौ में से एक गया। अगला आठ और तीन, ऐसे करते थे, जल्दी बोले हाँ या ना, तो प्लस माइनस को भी बदलना पड़ेगा। नहीं आया कितने लोगों? नहीं आया, जल्दी बोलिए, आ गया, दूं एक और हो जाएगा है ना। तो हमें कैलकुलेशंस बहुत उम्दा लेवल के होने चाहिए टॉपिक को पढ़ने से पहले। अभी मल्टीप्लाई दूंगा तो मुझे लग रहा है लेट जाओगे बिल्कुल। हाँ दूं मल्टीप्लाई है, देख देख दिखाता हूँ तुम्हारे सामने। ये हो गया, ये नोट कर लिया? ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक सी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो बेसिक नीड है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो कैलकुलेशन अच्छा कीजिए फिर कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब होता है चैप्टर पढ़ना। चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अभी कैलकुलेशन है, चलिए पहले मल्टीप्लाई पूछो या प्लस माइनस पूछ लूं? ये लो गुरु, बताना। ठीक है करूं शुरू, लगाऊं टाइमर? तो हटाऊंगा ना अभी, पहले टाइमर लगाऊं? नहीं करूंगा स्टार्ट, नोट करो। हाँ गुना करना है, शुरू करो। चलिए बोर्ड पे देखिए, तो इतनी देर का कैलकुलेशन नहीं था ये। चलिए इसमें दो चीजें लगा सकते हैं, एक बेसिक रूल जो हर जगह लग जाए, एक कंडीशनल। कंडीशनल इस आधार पे है बाबू ये, कि ये दोनों नंबर 400 के नजदीक है। इस आधार पे ये रूल तब नहीं लगता जब ये 400 और ये 800 के नजदीक होता, तब नहीं लगेगा ये रूल। चूंकि ये दोनों नंबर 400 के नजदीक है तो कंडीशनल रूल लगाया जा सकता है। एक बेसिक रूल होगा जो हर जगह लगना चाहिए किसी भी नंबर पे। तो पहले कंडीशनल से फिर बेसिक से, दोनों तरीके से आंसर आएगा। अगर ये दोनों नंबर को देखेंगे तो ये नंबर 400 से कितना कम है?
नहीं समझ में आया? आ गया, आ गया, जल्दी बोले हाँ है ना। और ये वाला ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये नंबर मल्टीप्लाई करता हूं मैं 97 और 92, सही बाबू, इसका गुना करना, ये दोनों नंबर किसके नजदीक है? 100 के सेम नंबर के नजदीक हुआ ना दोनों, तब ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा रूल। तो 100 से कितना कम है, और ये बाबू 8। पहला काम होता है जब ये लिख लेते हैं ना, तो इन दोनों का गुना करते हैं, दो अंकों में लिखते हैं, दोनों का गुना कितना होगा? 24। प्लस का या माइनस का? प्लस का होगा ना, प्लस का ही लिखा जाता है, प्लस का 24 दो अंकों में आ गया, सही है। इसके बाद इधर से या इधर से सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि कंपैरिजन सेम से किया गया, 100 से ही हुआ है दोनों का। तो 92 में से 3 माइनस करके देख लो, या 97 में से 8 माइनस करके देख लो, सेम आंसर आएगा, मन में करके देख लो कितना आ रहा है, बोलिए 92 माइनस 3 या 97 माइनस 8 कितना होगा? 89। अब इस 89 का रोल आगे है, पहले तो मैं 89 लिख देता हूं, इसका गुना हो चुका है, ये इसका मल्टीप्लाई है, लेकिन ये आगे चलकर चेंज होगा। क्या चेंज होगा सुनिएगा, ये दोनों नंबर किसके नजदीक है? 100 के। 100 को जब आप 100 से कंपैरिजन करेंगे तो ये वन टाइम है, कितना गुना है? वन टाइम है। लेकिन अगर 200 से कंपैरिजन होगा तो कितनी गुनी हो जाएगी? तो अगर आपसे मैं कहता 89 का 1 से इंटू कर लो तब लिखो, तो आंसर बदलता क्या? नहीं बदलता। लेकिन अगर 2 आता तो 2 से गुना करने पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस चीज से आंसर बदलता है। फिलहाल के लिए इसका मल्टीप्लाई तो यही है, इसी आधार पर। नहीं आया या आ गया? जल्दी बोले, नहीं समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, फिर से देखो क्या किया मैंने। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके नजदीक हम कर रहे हैं? 100 के। 100 से कितना कम? 100 से 8 कम। इन दोनों का गुना दो अंकों में लिखना होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखते हैं, चेंज करना अभी सिखाऊंगा, पहले ही समझ में आया। इसके बाद इधर से ये मल्टीप्लाई या इधर से ये इधर से 92 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 89। या 97 माइनस 8 करेंगे तब भी 89 आएगा, क्रॉस में किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, क्योंकि सेम वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब ये जो 89 आया, इसके मल्टीप्लाई किसमें करना होता है? जिससे कंपेयर किया है उसको 100 से डिवाइड करके। तो कंपैरिजन इन दोनों का किससे हुआ है? 100 से। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी गुनी? 1। तो अगर मैं 89 को कहूं 1 से इंटू कर लो तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये 1 से इंटू क्यों बताया हूं? क्योंकि कई बार यहां पे 2 भी आएगा जब हम 200 से कंपेयर करेंगे, कई बार 3 भी आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे? तो इसका गुना अनिवार्य है, ठीक। तो यहां पे 1 से इंपैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 213 और 208, इसका गुना करना, सही है ना। दोनों नंबर किसके नजदीक है ये बताओ पहले। कितना ज्यादा है बाबू? कितना ज्यादा? 13 × 8 कितना होता है? 104। बोलो ना हाँ या ना। तो क्या लिखोगे? दो ही अंक लिखते हैं, 04। कैरी क्या बचा? ये समझ में आया? बोले ना हाँ या ना। इसके बाद क्या करते थे वहां पे बताइए, कितना होगा? कितना होगा बोलिए? 200। कहीं से चले जाओ, इसमें गुना किससे होगा? 1 से नहीं, 200/100। 100/100 क्या हुआ था? 1। ये किससे कंपैरिजन किया है? 200। 100 की कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी। तो किससे गुना होगा? 2 से गुना करेंगे, क्या हुआ? 442। इसमें कैरी कितना बचा हुआ है? तो क्या आएगा? ये है इसका आंसर, नहीं है? नहीं आया? आ गया? नहीं आया तो फिर से पूछिए। नहीं आया? आ गया, जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। सही में नहीं आया? आ गया, आ गया। एक चीज समझिए, अगर मैं कहता हूं बाबू, ध्यान से देखना, इस बार नेगेटिव आएगा, क्या ऐसा आएगा? सही है। किससे कंपेयर करेंगे आप? कितना कम और कितना? कितना हुआ? क्या -24 लिख सकते हैं? नहीं। कैसा लिखते हैं?
तो क्या करेंगे, आगे के डाटा में से एक कैरी ले लेंगे। एक कैरी लेने का मतलब 100 में से 24 माइनस, जैसे 10 में से एक लिखते थे ना, बोलिए ना हाँ या ना। तो ये टू डिजिट नंबर है तो 100 में से माइनस करेंगे ना, तो 100 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, यानी कि ये 24 नहीं होगा, लास्ट टू डिजिट पे कौन होगा, सही है। अब वही कहानी, इधर से या इधर से कहीं से पहुंच जाइए, कितना हुआ, किससे गुना करेंगे, दो से, कितना हुआ, क्या 410 लिख देंगे, एक कैरी ले चुके हैं ना, बोलिए ना हाँ या ना। अगर यहां पे निगेटिव नहीं आता तो पूरा 410 लिखते, क्या लिख चुके हैं कैरी, एक, तो क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लाई है। नहीं आया समझ में, आ गया, आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, एक बार कॉपी में खुद से करके देखिए, तो नॉर्मली अभी नॉर्मल कैलकुलेशन अभी करा रहा हूं, पहले से नोट कीजिए ना, अभी नहीं चेंज करूंगा, चैप्टर पढ़ने से पहले कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लीजिए। आगे नहीं आया, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, एक चीज दिखाऊं आपको, इस ये वाला बाबू, ये वाला फिर से देखो ना, ये जो लेफ्ट हैंड में आपकी कैलकुलेशन आया वो कितना आया, 410। अब ये 410 से आगे इतना ही पता, इसमें से कितना निकालना है, जब आप माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं बताइए, ऊपर में 00 फिल करेंगे तो एक कैरी इसी में से जाएगा ना, बोलिए ना हाँ या ना, तो क्या बन जाएगा ये, इसे लिख दिया, नहीं समझ में आया अभी भी, है ना, हाँ सर अभी बता रहा हूँ, कहाँ मैं भाग रहा हूँ, मैं कराऊंगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये बताइए पहले। अब क्या होगा पता है आपको, ये हमें हेल्प करेगा स्क्वायर लिखने में, क्या लिखने में, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों लिख के दिखाता हूँ, ठीक, ये मल्टीप्लाई लिखने का बस तरीका था। अगर मैं लिखता हूँ 208 का स्क्वायर, समझो चीज़ों को, किससे कंपेरिजन होगा, 208 का स्क्वायर क्या होगा, 208 गुने, बोलो ना, आप इसको लिख के दिखाता हूँ, इसको डायरेक्ट पैटर्न बदलेगा, बट आंसर पे नहीं है, वही बात बताइए, 200 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बाबू, अच्छा इसे मिटा दूं, अच्छा स्क्वायर लिख रहे हैं ना आपकी बार, देखिए ध्यान से बोलिए, 8 गुने 8 कितना हुआ, 16, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हाँ सही है, अब इसमें ये जुड़ा या इधर जुड़ा, क्या हुआ, 216, किससे गुना करोगे, कितना हो गया, यही इसका स्क्वायर, नहीं हुआ, अच्छा स्क्वायर जब लिखना होगा ना तो ये मल्टीप्लाई को लिखने का तरीका है, क्या लिखने का तरीका है, क्या लिखने का तरीका है, स्क्वायर में क्या होता है, डाटा दो बार आना ही है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ध्यान से कैसे, जैसे 208 का स्क्वायर आपने लिखा है ना, हम इसको ऐसे लिखने का तरीका बदल रहे, मल्टीप्लाई का तरीका था, ये 200 से कितना ज्यादा, बोलिए ना 8 ज्यादा, आपको भी पता है इसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा इसमें ये जुड़ता है ना, तो यहीं पे जोड़ लीजिए, 208 और 8 कितना हो गया, किससे गुना करेंगे, और ऊपर लिख दीजिए, तो लिखने का बाबू तरीका बदला है, नहीं आई बात, जल्दी बोलिए ना हाँ या ना, फिर से देखिए बोर्ड पे देखिए, किसका स्क्वायर लिखना है,
बोलिए जल्दी से, 19 किससे कंपेयर करेंगे, कितना कम, 3 का स्क्वायर, क्या लिखोगे दो डिजिट में, 2 डिजिट में लिखते हैं, बोलिए ना हाँ या ना। इसके बाद इसमें से ये गया कितना, किससे गुना करने वाले हो, बोलिए 4 2 जा, अब 19 का टेबल, इसलिए बोलो टेबल याद कर लो, नहीं तो 9 2 जा बोलोगे, 19 गुने 2 38, टेबल याद करना इसलिए जरूरी है, टेबल से आप बच नहीं सकते। ये हो गया स्क्वायर, यूज किया मैंने टेबल या नहीं यूज किया, है ना, 19 यहां पे 7 होता तो 19 × 7 करते रह जाते आप, बोलिए ना हाँ या ना, है ना। तो लिखने का बस तरीका बदला है, हम स्क्वायर भी लिख पा रहे, फिर से देखिए बोर्ड पे देखिए, तो किसका स्क्वायर लिखना है, किससे कंपेयर करेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, -3 स्क्वायर क्या होगा, और इसमें से ये गया तो अब कुछ गुना भी करना है क्या, किससे, 1 से, कुछ फर्क पड़ेगा, जब फर्क पड़ेगा ही नहीं तो लिख दो ना, नहीं समझ में कुछ बदला या नहीं बदला, हाँ समझ में आया कुछ, है ना। तो जब तक हम कैलकुलेशन पे काम नहीं करेंगे, कोई ऐसे लिखेगा कोई गुना करेगा, तो अंतर तो वही है। चलिए वापस लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये समझ में आ गया था। अब देखिए तो मेरा कैलकुलेशन ये वाला था ना, बोले हाँ या ना, चलिए आइए करें स्टार्ट। अब जरूरत पड़ी बाबू 37 गुने क्या करने की, बता सकते हो कितना होगा, कितना 800 कितना है, देख के मत बताइए, चलिए यहाँ देखिए ठीक है ना, बोर्ड पे देखिएगा 37 गुने क्या करना है, माइनस था तो बाद में लगा लेंगे, सही है। कभी भी दो अंकों का गुना, क्या बोला मैंने, आप मेरे तरीके से कीजिएगा तो निश्चित तौर पर टाइम कम लगेगा हमेशा। पहला पार्ट राइट हैंड से करते हैं या लेफ्ट हैंड से, गुना राइट हैंड से करेंगे लेफ्ट से, राइट से, पहला प्लेस इनका गुना 7 2 जा, सिंगल डिजिट लिखनी है, बाकी कैरी मन में रखिएगा, कैरी कितना बचा बाबू, पहला स्टेप ये बात ध्यान में। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ दो, बोलिए 3 2 जा और 7 2 जा, 14 और 6 20, एक कैरी 1, कैरी क्या बच गया, हो गया। अब लास्ट स्टेप और आंसर लिखना है बस, इनका गुना और कैरी ले लेना, 3 2 जा और 2, हमेशा कभी भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई ऐसे करना है। नहीं आया, आ गया, आगे यहां देखिए आंसर लिख रहा हूं मैं, यहां देखो इसका गुना कितना हुआ बाबू, जल्दी बोलो फटाफट, माइनस का कितना, माइनस का तो नहीं लिखा जाता है ना। अब जब हम आगे से कैरी लेंगे तो किस में से निकालेंगे इसे, 900 में से, पहले 100 से निकालते थे क्योंकि 14 बचता था, तो अगर माइनस का 14 होता तो 100 में से निकालते, माइनस का 814 है तो कितने में से निकालेंगे, यानी कि कैरी 9 लेंगे, बोलिए ना हाँ या ना। चलिए 900 में से 14 गया तो गलत नहीं लिख रहे हैं, थाउजेंड तब लिखते हैं ना जब ये 914 होता वो, है ना, डन, सही है। अगला पार्ट इधर से या इधर से, कहां से जाना, इधर से ले जाओ, कितना हुआ, सही लिखा है गलत, यहां से भी चेक कर सकते हैं, यही आएगा, बोलिए ना हाँ या ना। किससे गुना करेंगे इसका, हाँ टेबल याद है, नहीं इसलिए कह रहा हूं टेबल याद है, चल 5 4 20 कैरी 2, 41 का 4 गुना 164 होता है, याद इसलिए टेबल होना चाहिए, जल्दी बोलिए
नहीं तो यही करना पड़ेगा। 5 4 20 कैरी क्या बचा? 2, 4 1 4 और 2 6 और 4 × 4 इसमें से कितना कैरी ले चुके हैं? हाँ, एक ले रहे हैं। कितना कैरी ले रहे हैं? क्या बचेगा फिर? चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई। सही है,